वैसे तो मार्क्स सब कुछ नहीं है, पर बहुत कुछ। मार्क्स ये डिसाइड करते हैं कि आपने जो सीखा है उसे एग्जाम में अच्छे से डिलीवर किया कि नहीं। आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको मोटिवेशन भी मिलता है और आप कॉन्फिडेंट भी बनते हैं। आपको अपनी एबिलिटीज पता चलती है कि आप किस सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छे मार्क्स से आपको अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज रीच कर पाते। ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती है, इससे कि क्या है एजुकेशन का फाइनेंशियल बर्डन जो है वो कम हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूंगा कि मार्क्स सब कुछ नहीं है। जब भी आपके अंदर की बर्निंग डिजायर आपको पुश करेगी तो आप लाइफ में बहुत अच्छा कर लेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम योगेश, हेड ऑफ आईटी डिपार्टमेंट कम एमएस टीचर एट सनशाइन ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल टॉप। चलो मार्क्स की बात आई गई है तो पूरा कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है सभी क्लासेस का। सबसे पहले क्लास 12th की बात कर लेते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम में फर्स्ट दिव्यांशी चौधरी है 98% के साथ और इन्होंने टोंक डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है रैंक 1। सेकंड पे अमन सैनी है 97.20% के साथ, इन्होंने जिले में सेकंड पोजीशन अचीव करी। 12th आर्ट्स के हमने तीन बैच निकाले हैं और तीनों ही बार हमारा 100% रिजल्ट रहा है। हमने काफी बेहतर परफॉर्म भी किया और इस बार तो सनशाइन को जिले में टॉप करने का सौभाग्य भी मिला है और इसका पूरा श्रेय सनशाइन टीम को जाता है। 10th बोर्ड में तनीषा, खुशी, आदित्य और कोमल ने टॉप किया है और अगेन रिजल्ट हमारा 100%। 8th बोर्ड में भी रिजल्ट 100%, जिसमें से 64% स्टूडेंट्स ने ग्रेड ए अचीव की है। 5th बोर्ड में भी रिजल्ट 100% है, जिसमें से 58% बच्चों ने ए ग्रेड अचीव की है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप सभी को नोटिस करवाना चाहूंगा कि बलराम, नैन और सुनील, ये तीनों बच्चे 12th आर्ट्स के स्टूडेंट्स, ये तीनों बच्चे हिंदी मीडियम से हमारे पास आए थे 8th क्लास में, लेकिन हमने लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल भी ना बनने दिया। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आने से कतराते हैं, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर एक कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत बन जाता है कि इंग्लिश मीडियम में कैसे कवर हो पाएगा। लेकिन इन्होंने मेहनत करी, स्टाफ सनशाइन की टीम ने भी इनके साथ मेहनत करी और रिजल्ट आप देख सकते हैं, इन्होंने काफी अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है 12th आर्ट्स में। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इंग्लिश मीडियम इतनी बड़ी समस्या है ही नहीं जितनी बड़ी इसे बना दिया जाता है। सनशाइन है तो सब मुमकिन है।